हरियाणा च विधानसभा चोणां तो एन पहला अशोक तंवर की कांग्रेस वापसी राहुल गांधी की रैली दौरान होए शामिल। बीजेपी के टिकट से सिरसा तो लड़ी सी लोकसभा की चोणां। पंजाब च पंचायती चोणां का रस्ता साफ। हाईकोर्ट च दाखिल सारियां पटीशनां खारिज। पंजाब सरकार नूं चुल्हा टैक्स के मामले निपटाउण दे दित्ते निर्देश। सरपंची लई 2 करोड़ की बोली के मामले का हाईकोर्ट ने किया निपटारा। पंजाब चोण कमिशन कोल भेजिया मामला। गुरदासपुर के पिंड सरपंची लई लगी सी 2 करोड़ की बोली। अपने पिंड सतौज के लोगों नूं मिले सीएम भगवंत मान। भाईचारक सांझ बनाए रखन की की अपील। कहा मैनू पूरी उम्मीद सर्वसम्मति दे नाल चुनिया जाएगा सतौज का सरपंच। जीरा हिंसा मामले के सबका सांसद जसबीर डिंपा की पुलिस अधिकारियों को चेतावनी। बोले गलत काम करने वाले ऑफिसर्स नूं चौराहे च बन्नांगे। जिथे भी बदली हो रस्सी नाल बन के लियावांगे। नाराज चल रहे सुनील जाखड़ की बीजेपी हाईकमान नूं सलाह। सूत्रों मुताबिक पंजाब प्रति रवैया बदलन का दिता मशवरा। किसानों के मुद्दे सुलझाउण अते राम रहीम वार वार पैरोल तो परहेज करन दी आखी गल। गिदड़वाहा च एक्टिव होए मनप्रीत सिंह बादल। जिमनी चोण लड़न दे दित्ते संकेत। कहा 15 साल बाद कीती वापसी। वकील दी तरह लड़ांगे गिदड़वाहा दे मुकदमा। ता डिंपी ढिल्लो बोले हल्के दे लोकां नूं नहीं मनप्रीत ते एतवार। बीजेपी एमपी कंगना रनौत दे फिर विगड़े बोल। हिमाचल च चिट्टे लई पंजाबियों नूं दस्या कसूरवार। कहा गुआंढी सूबियां तो आ के करदे ने नशा। सूबा पक्खों ने गर्म अते हुल्लड़वास। पंजाब भर किसानों ने 2 घंटे लई रेलवे ट्रैक किए जाम। एमएसपी की कानूनी गरंटी सने होर मंगा नूं लेके दिता धरना। मुसाफरां नूं होना पिया खज्जल खुआर। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कल खाली करेंगे सीएम रिहायश। आप दे राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल दे सरकारी घर होणगे शिफ्ट। मंडी गोविंदगढ़ च कांग्रेस आगू दे बेटे दा कतल। तेज तर हथियारां नाल उतारिया मौत दे घाट। 4 हमलावरां ने वारदात नूं दित्ता अंजाम। चंडीगढ़ दे ऐलान ते मॉल दे मैनेजमेंट खिलाफ एफआईआर दर्ज। 13 साल दी मशहूर अदाकारा माइशा ते उसकी मासी होए सन जख्मी। पिलर दी टाइल डिगण कारण वापरिया सी हादसा। सत श्रीकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर, न्यूज 18 पंजाब। देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से गल करांगे हरियाणा की। हरियाणा की सियासत नाल जुड़ी वड्डी खबर का असं जिक्र कर रहे हैं। अशोक तंवर की कांग्रेस च वापसी हो गई है। मुड़ तो अशोक तंवर ने घर वापसी की है। अशोक तंवर ने भाजपा छड़ के कांग्रेस का पल्ला फड़ लिया है। कांग्रेस जो है वो ज्वाइन कर ली गई है। राहुल गांधी की रैली दौरान कांग्रेस शामिल हुए ने अशोक तंवर। जिक्र है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा की मौजूदगी कांग्रेस की वापसी की गई है। अशोक तंवर के वालों से लोकसभा चोणों तो पहला आम आदमी पार्टी छड़ के भाजपा शामिल हुए। सिरसा तो बीजेपी की टिकट से इन्होंने वालों 2024 लोकसभा चोणा भी लड़िया गई। हरियाणा की सियासत नाल जुड़ी असी वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं। विधानसभा चोणों तो ठीक पहला भाजपा एक वड्डा झटका लग्या है। सबका एमपी अशोक तंवर कांग्रेस शामिल हो चुके हैं। महेंद्रगढ़ च राहुल गांधी की एक रैली सी। रैली नूं संबोधन राहुल गांधी कर रहे थे। इस टाइम अशोक तंवर भी उत्थे मौजूद सी। राहुल गांधी ने ही उन्हां नूं पार्टी च शामिल करवाया था। इस दौरान जो सबका सीएम ने भूपिंदर सिंह हुड्डा वो भी उत्थे मौजूद सी। तस्वीरां च देखिया जा सकता है कि पार्टी ज्वाइन करते वेले जो तंवर ने उन्होंने हुड्डा नूं दूरों ही नमस्ते किया। 5 साल पहले ही हुड्डा दे नाल मतभेद भी होए सी। इस विचाले तमाम तस्वीरां सामने आईयां कि किस तरीके दे नाल एन पहले जो है वो पार्टी ज्वाइन की थी। तो वक्त वक्त तस्वीरें तुसी देख पा रहे हो। 1 घंटे पहले दी एक तस्वीर है जिथे कि तस्वीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने वालों बीजेपी कैंडिडेट लई चोन प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी दे मंच से उत्थे मौजूद थे। 1 घंटे बाद ही अशोक तंवर दे वालों अपना पलड़ा पलटिया गया। इस विचाले जिथे राहुल गांधी अपनी रैली में संबोधन कर रहे थे महेंद्रगढ़ उत्थे पहुंचे। इस विचाले कांग्रेस पार्टी का पला उन्होंने वालों फड़े। 2 वक्त तस्वीर आप बयान कर दिया ने हरियाणा की सियासत। पहली तस्वीर 1 घंटे पहला बीजेपी सी अशोक तंवर। उन्होंने वालों बीजेपी कैंडिडेट लई चोन प्रचार जोरा शोरा दे नाल कीता जा रहा है। संबोधन करते हुए मंच तो अशोक तंवर नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर है 1 घंटे बाद जो कि
कुछ देर ही पहले तकरीबन 3 बजे की तस्वीर है जदों की राहुल गांधी जदों की रैली संबोधन कर रहे थे महेंद्रगढ़ च मौजूद सी। अशोक तंवर उत्थे पहुंचते ने राहुल गांधी अशोक तंवर नूं जो है कांग्रेस शामिल करवाते हैं। इस विचाले जो साबका सीएम भुपिंदर सिंह हुड्डा वह भी तस्वीर च वेखे जा सकते। करीब 8 महीने पहले ही अशोक तंवर के वालों आम आदमी पार्टी छड़ी गई थी बीजेपी शामिल हुए थे। जनवरी 2024 इन्हां दे वालों अशोक तंवर दे वालों बीजेपी का पल्ला फड़िया गया सी। ते इस विचाले साबका सीएम मनोहर लाल खट्टर दे वालों उन्हां नूं बीजेपी ज्वाइन करवाई गई सी। इस दौरान खट्टर ने अशोक तंवर नूं अपना भांजा तक दस दिता सी। ते इस तों पहला तंवर ने 4 अप्रैल 2022 की जैसी गल करी ते आम आदमी पार्टी ज्वाइन की सी। 22 महीनिया पहला ही इस दे विचाले उन्होंने आम आदमी पार्टी नूं अलविदा कह दिता। ते इस तों पहला पछमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी ओ रहे सी। ते इस विचाले कई पार्टियां दा जो है इन्हां दे वलों रुख कीता गया है। 2003 च NSUI दे राष्ट्र अध्यक्ष रहे सी, फिर यूथ कांग्रेस दे भी प्रेजिडेंट रह चुके ने अशोक तंवर। पर दो वख-वख तस्वीरां की सवेर दे वेले ही बीजेपी च मौजूद सी। इनफैक्ट जे असीं गल करीए ते सिर्फ महज 2 घंटे पहला ही बीजेपी च आ मौजूद सी। बीजेपी दे कैंडिडेट दे लई जोरां शोर दे नाल चोण प्रचार कीता जा रहा सी क्योंकि काफी कद्दावर नेता ने अशोक तंवर 2024 लोकसभा चोणां इन्हां दे वलों बीजेपी दे टिकट ते लड़ियां गईयां, पर इन्हां नूं कुमारी सैलजा दे चलदे हार दा सामना करना पिया क्योंकि कांग्रेस दे वलों कुमारी सैलजा सिरसा तो जो ने ओ कैंडिडेट सी ते काफी वड्डे मार्जन दे नाल कुमारी सैलजा उत्थों जित्ते ने। 2009 च जे असीं गल करीए ते सिरसा जो MP सीट लोकसभा तो चुने गए सी। 2014 सिरसा सीट तो इनालो देवी कैंडिडेट रह चुके ने, पर इन्हां नूं हार दा सामना करना पिया सी। 14 फरवरी 2014 तो लेके सितंबर 2019 तक हरियाणा कांग्रेस दे प्रेसिडेंट भी रहे ने अशोक तंवर। अगे वधण ते गल करांगे सीएम भगवंत मान दी। अपने पिंड सतौज दे लोकां नूं मिले ने अज सीएम भगवंत मान। गलबात उन्हां दे नाल कीती गई। पिंड दे लोकां दे रूबरू होए सीएम भगवंत मान। भाईचारक सांझ बनाउण दी अपील सीएम दे वल्लों कीती गई है। सीएम ने कहा है कि उम्मीद है कि पिंड सर्वसम्मति दे नाल जो सरपंच है वह चुनिया जाएगा। चंगे पंच सरपंच चुने जान, काम करन वाली पंचायत चुनी जावे, सरपंच पिंड दा होवे पार्टी दा नहीं होए। सीएम भगवंत मान दे वल्लों आ अपील कीती गई पिंड सतौज दे लोकां। तमाम तस्वीरां सामने आईयां ने दोपहर वेले दी तमाम तस्वीरां। सीएम भगवंत मान हालांकि बीमार से उन्हां दी सेहत नासाज सी ते मोहाली दे फोर्टिस हस्पताल च भर्ती सी। उस तों बाद उन्हां नूं एतवार तों ही डिस्चार्ज किया गया। हुण अज पहली बार सीएम भगवंत मान लोकां दे रूबरू होए ने हॉस्पिटल तो डिस्चार्ज होने के बाद ते पिंड दे लोकां नाल गलबात करदे होए नजर आए। मेरे बुजुर्ग बैठे ने ऐसे ऐसे जगह ते बहुत बारी मैं पंचायत च भी आया। जो मैं छोटा होंदा सी उदों भी आया, जो मैं कलाकार हुंदा सी मैं उदों भी आया। हुण जदों पंजाब दे लोकां ने इन्नी वड्डी कृपा करती कि आपां पंजाब दे मुख्यमंत्री बनाते, मैं उदों भी इत्थे आया। पर आया मैं 3-4 बारी थोड़ा पुत भतीजा बन के आया। मैं कोई मुख्यमंत्री बन के जां कोई कलाकार बन के जां कोई वड्डा बन के नहीं आया। मैं थोड़े तो छोटा बन के आया और रहूंगा भी छोटा। गुरजंत सिंह जी बैठे गट्टो कह दें प्यार नाल, सामने उन्हों का बेटा बैठा है, जगरूप बैठा है, मिंदी बैठा है, गुरजंत बैठा है, मेवा बैठा है, रणजीत बैठा है सूबेदारा का। मैं किनू नहीं जानता, शायद इन्हों थोनू लगता होना शायद मैं भुल गया, पर मैनू नहीं तुसी कदे भुल सकते। चाचियां ताइयां महते हो रही, बलौर हो रही, रोही हो रही, मैं कदे नहीं भुल, भोलू हो रही, परगट हो रही, टहले हो रही, कदे नहीं भुल। पहला चलो मैं कैस्टा कुछ ज्यादा ना लै लैंदा सी, हुण मैनू थोड़ा जिहा मौका भाषण च नहीं मिलता, पर यह ना समझो कि मैं थोनू भुल गया। अज पिंड पिंड तो बाहरले भी आए हुए बहादुर खड़ा है कि मैं तो मुंडा मेरे ना पढ़ता हूँ 10वीं च, मिस्त्रियों के
बाराखड़ा बगड़ चलो दुनिया च नहीं गया मेली दर्शन चरना साढ़े तो घर दीपा इन्होंने की हुई हैं मैं तो करंटियां फड़ फड़ के तीन एक का चार एक का मसाला आप लगा रहा मैं कुछ नहीं भूलता मैं अज अपने पिंड आया सियाने कहिंदे आ कि बंदा जिड्डा मर्जी वड्डा बन जाए अपने पिंड दे लोकां तों अपनियां चाचियां ताईयां तों अपने भैणां भाईयां तों वड्डा नहीं हो सकदा इसे पिंड दीआं गलियां च खेडे आ इसे पिंड दीआं गलियां च वड्डे होए आ कलाकार दे तौर ते वी विचरे आ हुण पंजाब दे इक मुख सेवादार दे तौर ते ड्यूटी लगी हुई है ते मैं बेनती करन आया सी पिंड च कि भाईचारक सांझ बना के रखो ते बहुत सारे पिंड सर्वसम्मति कर रहे हैं बिना लड़ाइया पढ़ाइया तो सरपंच चुन रहे हैं चंगे बंद सरपंच चुन लो तो मैं उम्मीद है कि पिंड वाले मेरा मान रखे तो इस पिंड सर्वसम्मति इस बार ज़्यादातर सर्वसम्मतियाँ हो रही ने पंजाब दे विच चंगी गल चंगी गल है जी सर्वसम्मति क्योंकि देखो एम एल ए जां एम पी नूं तुसीं कह सकदे हो कि असीं तां जाणदे नहीं सी इहनूं कित्थों दा सी इह वोटां पातियां पार्टी के पिछे लग के पातियां जां किसी मामे चाचे के मगर लग के पातियां जो रहा जहाँ निकलूगा ये पता नहीं सी पर सरपंच बारे जां मैंबर बारे तुसीं कह नहीं सकते क्योंकि वह तो हर रोज़ थोड़े मत्थे लगते हैं उन्हों का रहन सहन खाण पीन सारा सारे पिंड ओपन होंगे एक खुली किताब वांगू होंगे सो मैं उम्मीद है कि इस बार चंगे सरपंच चुने जाएंगे चंगे ये डेमोक्रेसी की नींह है जिहड़े पंचायत ने डेमोक्रेसी की नींह है और नींह वास्ते जो आप इट्टा लैन जाने तो भट्ठे वाले ये कहने एक रुपया दो रुपया भावें महंगी ला ली पर दोम सोम ना दी इट्ट असली दे दी सो नीहां दे विच इट्टां चंगियां लगियां होणगियां तां बिल्डिंगां अच्छियां बणनगियां विशेष पैकेज दा तुहाडे वल्लों ऐलान कीता गया आस है बहुत तो सारे पंजाब वास्ते है 5 लाख रुपया बाकी सारे पिंड की जो पहली डिमांड चाहे स्टेडियम होवे चाहे वह स्कूल होवे चाहे मोहल्ला क्लीनिक होवे चाहे सड़कां होण वो उन्हां दी डिमांड है मैं चाहुंदा पिंडां च भाईचारक सांझ बनी रहे मान साहब इक ना केंद्र पंजाब च पंचायती चोणां दा रस्ता साफ हो गया जिक्रयोग है कि हाई कोर्ट च दाखल सारिया पटीशनां दा निपटारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे वल्लों कर दिता गया सारी पटीशन जो दायर कीतियां गईयां सी उन्हां नूं डिसमिस कर दिता है चोणां च रिजर्वेशन खिलाफ पाईयां पटीशन खारिज कर दित्तियां गईयां ने जिक्रयोग है कि एक परिवार दीआं वख-वख वार्डां च वंडियां वोटां वी ठीक करन दे निर्देश ने उह पंजाब सरकार नूं दित्ते गए ने पंजाब सरकार नूं चुल्हा टैक्स दे मामले वी निपटाउण दे आदेश जो ने ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 170 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਜੀ 19 ਸਪਟੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ 2024 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ 2018 ਮਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਨਯੋਗ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਫਰੇਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੂਲਸ ਜੋ ਹੈ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਰੂਲਸ ਐਟਲੀਸਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਪੋਜ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਏ ਬਲਾਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟ ਸਪੋਜ ਐਸ ਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਐਸ ਸੀਆਂ ਦੀ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਰਡ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਫਾਰ ਦੀ ਐਸ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹਾਓ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਵਿਲ ਕੰਟੈਸਟ ਦੈਟ ਐਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੋਜ 4-4, 5-5 ਵੋਟਾਂ ਐਸ ਸੀ ਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰਪੰਚੀ ਐਸ ਸੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦੋ ਜਦਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 90% ਆਬਾਦੀ ਐਸ ਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਹ ਸੀਟ ਜੋ ਹੈ ਐਸ ਸੀ ਰਹੂਗੀ ਜਨਰਲ ਰਹੂਗੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
फॉलो नहीं किया जा रहा। जी मैं इकट्ठी दो गल करा, डिलीट वोट डिलीट होगी कई परिवार के वोट, जो माँ प्यो की एक वार्ड च है, बेटे बहू की दूजे वार्ड च है, या उन्होंने होर घर के परिवारिक मैंबर की किसी वार्ड च है। हाँ जी ये भी होया जिथे कितने वोट बिल्कुल ही डिलीट कर दी हैगी, बनबे और इधन इधर, चाहे पब्लीकेशन गलत होगी या कोई पोलीटिकल रंजस सी या कि छपन वेले किसी तरह की गलती होगी, उस तरह के मसलों से रिप्रजेंटेशन दे के अज ही फैसला करने लिए कहा गया है। सरपंची लई बोली दे मामले नाल जुड़ी वड्डी खबर दा जिक्र कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने पंजाब चोन कमिशन दे कोल आज पूरा मामला है वो पेश किया है। पंजाब चोन कमिशन मामले दा निपटारा करे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वालों इस केस नूं लेके टिप्पणी की गई है। हाई कोर्ट दरअसल सरपंची लई 2 करोड़ की बोली के खिलाफ पटीशन पाई गई थी। गुरदासपुर के पिंड सरपंची लई 2 करोड़ की बोली लगी सी। जिक्र योग है कि कुछ दिन पहला ही गुरदासपुर का पिंड है हरदोरवार कला, जिथे की सरपंची दे लई 2 करोड़ की बोली लगी सी। आ बोली 50 लाख तो शुरू हुई सी, 2 करोड़ तक चल गई। 2 करोड़ की बोली लगाने वाले आत्मा राम आत्मा सिंह सी बीजेपी दे आगू। हालांकि उन्होंने वालों चैलेंज किया गया सी कि कोई होर इस तो वध बोली भी लगा सकता है कि मैं जो बोली है 10 करोड़ तक भी लगा सकना हाँ, शौक का कोई मुल नहीं है, मैं पिंड की सेवा करना चाहता हाँ। जिसको लैके विरोधियों के वालों भी लगातार सवाल चके जा रहे थे। हालांकि प्रताप सिंह बाजवा जो LOP लीडर ने उन्होंने तो इतों तक कहता कि विजिलेंस के वालों इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए है कि इन्ना पैसा कितों आया। तो इस पूरे मामले में लैके पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के ही एक वकील के वालों पटीशन पाई गई सी। अस इस पूरे मुद्दे को लैके हाईकोर्ट च सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट के वालों कहा गया है कि इस पूरे मामले का निपटारा स्टेट इलेक्शन कमीशन करे। हदायतां जारी करे तो उन्होंने दिता भी तुसी एक कंसीडर करो जी साडा ग्रीवियंस असी रेज किया तो ये उत्ते कॉग्निजेंस ले जाए तो डायरेक्शन देती है उन्होंने तो डिसाइड होगी मतलब डिस्पोज ऑफ कर इलेक्शन कंसीडर करके। हाँ जी अगे कार्रवाई करेगा तो ये चंगी गल है भी क्योंकि जेडे होर पिंड कल असी शाम भी इवन देखी हैं कुछ वीडियो सामने आई हैं तो जे कि होर भी यह जहाँ कुछ हो रहा ते पीड़ित जिहड़ी उत्थों दी संबंधित लोग पीड़ित ने वो इलेक्शन कमीशन कोले आपदी शिकायत कर सकते हैं। ते कोर्ट नैक्सट वीक भी खुली है, चाहे हाई कोर्ट बंद है बट वकेशन रोस्टर बैठा है। जे इहो जिहा कुछ हुंदा ते जिन्नी भी उत्थों दे जिहड़े किसी भी जगह दे उत्ते इदां कह के भी कोई बोली लग जावे ते बाकी सारे लोगों के हक उत्थे नप ले जाण, ठीक है जी, वो आके चैलेंज कर सकते हैं। दैट इज ओपन फॉर चैलेंज, इलेक्शन कमीशन को ले जा सकते हैं। जे इलेक्शन कमीशन जिहड़ा हैगा स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं उहदे ते कोई रिस्पोंस करदा ते फिर वो हाई कोर्ट भी आ सकते हैं।